हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं रैपिड मॉइस्चर मीटर की। सो गाइज आज हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए आइए इसको ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर का बॉक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक वुडन का बॉक्स हैगा, इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा मॉइस्चर मीटर, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये इसकी वेसल है, ये एक क्लॉक लगी हुई है इस पर और इसके साथ ये कुछ एक्सेसरी है। ये इसका बैलेंस दिया हुआ है जो कि 6 ग्राम का है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो रैपिड मॉइस्चर मीटर का यूज़ क्या है कि ये किसी, जैसे आप कोई भी मटेरियल यूज़ करते हो या जैसे मिट्टी है उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल क्विक एंड एक्यूरेट बता पाता है। ये देख रहे हैं आप वेसल, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका बैलेंस है इसको आपने सेट करना है। उसके बाद आप कोई भी अपना मटेरियल लेते हो वो याद ध्यान रहे आपको 6 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद आप इस वेसल में उस मटेरियल को ऐड करते हो और यह गाइस आप देख रहे हैं ये है हमारा कैल्शियम कार्बाइड, इसका हमने 1 स्पून लेना है और उस मटेरियल के साथ इस वेसल में ऐड कर देना है। फिर आपको इसको शेक करना है, आपको इसको 1 या 2 मिनट तक शेक करना है। उसके बाद आपको जो इसका मॉइस्चर है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट आपको यहाँ इस पे पता चल जाएगा। ये इसके साफ करने के लिए आपको ये ब्रश भी दिया हुआ है और ये आपको, ये जैसे मैं बता चुकी हूँ ये बैलेंस की एक्सेसरी है, जब भी आप इसको यूज़ करें आप सेट कर सकते हैं। आप इसमें किसी भी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए मॉइस्चर मीटर बनाया, आप इसको फार्मास्यूटिकल लैब वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।